नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टीएनपी न्यूज में और मैं हूं आपके साथ मिशा सिंह। यूपी की रामपुर सीट इन दिनों समाजवादी पार्टी के लिए चिंता का विषय बनी हुई है। आने वाले चुनाव में सपा को जीत दिलाने के लिए पार्टी जी जान से जुटी हुई है, लेकिन कभी आजम खान का गढ़ रहा रामपुर आज बीजेपी के रंग में रंग चुका है। ऐसे में आने वाले चुनावों में सपा का आगे का क्या प्लान होगा, उसके सामने कौन सी चुनौतियां होंगी, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। रामपुर की लोकसभा सीट सपा के लिए सिर का दर्द बन गई है, जो सपा के सामने एक चुनौती की तरह खड़ी हो गई है। रामपुर सीट को कभी आजम खां का गढ़ कहा जाता था, लेकिन आजम की गिरफ्तारी के बाद यहां बीजेपी ने अपना झंडा गाड़ दिया है। बीजेपी नेता आकाश सक्सेना ने आजम के खिलाफ लंबी लड़ाई लड़ इस सीट को अपने नाम कर लिया है। रामपुर का चुनाव हमेशा से ही हिंदू और मुस्लिमों का चुनाव रहा है। अभी तक सपा अपने MY समीकरण के सहारे चुनावों में जीत दर्ज कराती आई है, लेकिन जब से आजम खां पर कानूनी शिकंजा कसा है, तब से रामपुर उनके लिए वैसा नहीं रहा। रामपुर में जाति समीकरणों को सही से समझे तो मुसलमानों में तुर्क, पसमांदा और पठान वोटर्स हैं। वहीं बात अगर रामपुर के चुनावी इतिहास के करें तो यहां हुए 18 बार के चुनावों में 12 बार मुस्लिम उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की, जिसमें सपा का दबदबा ही कायम रहा। इन चुनावों में 2004 और 2009 में सपा के टिकट पर जयप्रदा ने जीत दर्ज की थी, लेकिन 2014 में बीजेपी के नेपाल सिंह ने जयप्रदा से ये सीट छीन ली, जिसके बाद 2019 में आजम खान जीते। लेकिन इस्तीफे के बाद इस सीट पर बीजेपी के घनश्याम सिंह लोधी ने सपा के आसिम रजा को हराकर जीत दर्ज की। इस जीत के बाद से ही बीजेपी की मुस्लिम वोटर्स में साधेमारी का प्लान सक्सेसफुल होता दिखने लगा है, जिसके बाद से माना जाने लगा कि तुर्क और अंसारी वोटर अब बीजेपी के वोट बैंक मजबूत कर रहे हैं। इसका एक कारण उनका पठानों से नाराजगी होना भी माना जा रहा है और आजम खां का पठानों से ताल्लुक माना जाता है। लेकिन बीते रामपुर उपचुनाव में जिस तरह से सपा हारी थी, ये हालात बताते हैं कि सपा की आगे की राहें काफी मुश्किल भरी होने वाली हैं। अब देखना ये होगा कि आजम खां के बाद सपा किस विकल्प को चुनेगी, क्योंकि बीते उपचुनाव में जिस तरह से सपा को हार मिली थी, इसको देखते हुए उसकी धूर विरोधी पार्टी बीजेपी उसके लिए काफी बड़ी चुनौती पेश करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, TNP न्यूज़।